नमस्कार। चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार से दिन भर मरीज रहे परेशान। दौसा के लालसोट में एक महिला की प्रसव के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस द्वारा महिला चिकित्सक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने से डिप्रेशन में आई चिकित्सक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में गुरुवार को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी इंद्रदेव यादव के नेतृत्व में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM संजीव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों द्वारा दिन भर कार्य का बहिष्कार करने पर सरकारी अस्पताल में मरीजों को उपचार नहीं मिलने पर परेशान नजर आए। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृतक महिला चिकित्सक को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डॉक्टर विक्रम गुर्जर, सुरेश मीणा, पूरन जाट, मनीष बामणिया, अरविंद जिंदल, सुनील शर्मा आदि चिकित्सक मौजूद रहे। सर, विगत दिनों जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी द्वारा उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि प्रशासन के द्वारा उनको हत्या के लिए विवश किया गया, आत्महत्या के लिए विवश किया गया, इस संदर्भ में हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम SDM साहब के जरिए ज्ञापन दिया है कि इस संवेदनशील मुद्दे को और चिकित्सकों के इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के साथ अन्याय हुआ है उसमें न्याय दिलाने का कष्ट करें और डॉक्टर्स जो समुदाय है उसको एक फ्री हैंड काम करने का, भय मुक्त काम करने का वातावरण उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इसी को लेकर आज हमने माननीय उपखंड महोदय को एवं उपखंड मजिस्ट्रेट महोदय को ये ज्ञापन दिया है। सर, जैसे क्या मांगे हैं आपकी? जैसे सर, हमारी पहली मांग तो ये है कि जिन्होंने भी 302 का झूठा मुकदमा दायर किया है उन अधिकारियों के खिलाफ इसकी कार्रवाई हो, प्लस जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थे बाहर के लोग, जो भी समाज कंटक इन्वॉल्वमेंट थे जिन्होंने विवश किया डॉक्टर साहब को इस काम के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी हमारी मांग ये है कि इसमें जो सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उस पर SOP बने, एक कमेटी बने, प्रॉपर निगरानी हो और डॉक्टरों को ये हरेसमेंट करने से बचाया जाए। कमेटी गठित कर उस पर उचित कार्रवाई करके और निकट भविष्य में भी डॉक्टर्स के ऊपर ऐसा कोई काम नहीं हो, ऐसा कोई घिनौना कृत्य नहीं हो, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। सर, आज जो घटना हुई है, घटना को लेकर कोई कार्य बहिष्कार वगैरह इस तरीके से है नारायणपुर हॉस्पिटल? सर, नारायणपुर हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि जो राजस्थान का ही नहीं अपितु ये ऑल इंडिया का मुद्दा बन चुका है। सब जगह ही प्राइवेट, सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट जो भी मेडिकल संस्थाएं हैं उन्होंने अपना जो शटडाउन है वो जारी रखा है, जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता तब तक।